मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं महाराज राजेश्वरी की इस पावन धरा पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे जिलाध्यक्ष भाई अशोक नायक जी से निवेदन करती हूं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आप सब से निवेदन है, दोनों हाथ उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं माननीय अरुण जी से निवेदन करती हूं कि महाराज राजेश्वरी का चित्र देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। अरुण जी, अब मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे सांसद महेंद्र जी को आमंत्रित करती हूं कि वो स्वागत भाषण दे। बोलिए भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी। इस जनसभा में उपस्थित भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता और राम भक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उपस्थित सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित आशीर्वाद दाता। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका मध्य प्रदेश पे एक विशेष स्नेह और कृपा रही है, और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी 40 से भी ज्यादा बार मध्य प्रदेश में पधारे हैं। डबल इंजन की सरकार रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास में जो भूमिका निभाई है वो अविस्मरणीय है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की जो भी नीतियां होती है उन नीतियों का विषय गांव, गरीब, मजदूर, किसान होता है। आज ऐसे ही गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितैषी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने विश्व में भारत के मान को बढ़ाया है, और जो बाइडेन जैसा अमेरिका का राष्ट्रपति उनका हस्ताक्षर लेने के लिए खड़ा रहता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री एंथोनी कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आप बॉस हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी जैसे देश में जाते हैं तो वहां का प्रधानमंत्री जेम्स मारेप दंडवत प्रणाम करते हुए नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता है और भारत माता को का सम्मान करता है। मैं ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां बगलामुखी देवी की, मां बगलामुखी देवी की, मां राज रज राजेश्वरी की, मां राज राजेश्वरी की। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं। ये तो शक्ति स्थलों की भूमि साजापुर में आप सभी परिवारजनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्षमा इसलिए कि एक तो मैं थोड़ा विलंब से आया, दूसरा ये हमारी सारी व्यवस्था बहुत छोटी पड़ गई। जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा बाहर धूप में तप रहे हैं। मैं आपको जो तकलीफ हुई है, हमारी ये व्यवस्था छोटी पड़ गई है, आपको धूप में तपना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो तप रहे हैं ना, मैं इसे याद रखूंगा और विकास करके लौटाऊंगा। विकास करके आपकी इस तपस्या को
मैं आदर करूंगा, उस पर श्रद्धा व्यक्त करूंगा, ये मैं आप सबको जरूर कहना चाहूंगा। मुझे दूसरी क्षमा ये मांगनी है कि अभी मेरे दो कार्यक्रम बाकी हैं और हेलीकॉप्टर का उड़ने के एक समय की सीमा होती है, सूर्यास्त के पहले ही उड़ना पड़ता है, उसके कारण भी मैं जरा जल्दी में हूं, तो ज्यादा फॉर्मेलिटी न करते हुए सीधा ही आप सबसे जुड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश के इस बार के चुनाव एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मैं बीते कई दिनों से एमपी के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिला हूं, आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। जो विश्वास, जो भरोसा भाजपा पर दिख रहा है वो अद्भुत है। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा, और इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जीत की जिम्मेदारी मेरी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, मेरे नौजवान साथियों ने इसकी कमान संभाल ली है। आज पूरा एमपी कह रहा है फिर एक बार। मेरे परिवारजनों, आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की पांचवी, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को ये भरोसा है कि हम जल्द ही तीसरे सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएंगे। और मैंने आपको गारंटी दी है, जब तीसरी बार मैं बैठूंगा ये इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लेके आऊंगा। दुनिया के विकसित देश से आपका ये प्यार कईयों की नींद खराब कर रहा है। चेहरे से बसे हंसी गायब हो रही है कुछ लोगों की, बड़े दुखी नजर आते हैं कुछ लोग। उनके टीवी इंटरव्यू देखिए, उनकी बातें सुनिए, क्या हालत कर दी है आपने कांग्रेस की। मेरे परिवारजनों, दुनिया के विकसित से भी विकसित देशों में हालत क्या है वो आज सारी दुनिया को पता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भर में के निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं, हर सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आने के लिए तैयार है, आतुर है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है,
शताब्दियों से दबी हुई भारत की ऊर्जा और इसकी शक्ति अब अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस बहुत अहम समय में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का रहना बहुत जरूरी है। आपको यह याद रखना है, कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है, कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है, कांग्रेस वो पार्टी है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है, उसे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। और आज जिस देश में देख लीजिए आप, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई, कांग्रेस के कारनामे ये देश का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है। बड़ी मुश्किल से भाजपा ने एमपी को बहुत गहरे कुएं में से बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश की पहचान फिर से बीमारू राज्य की बन जाए, ऐसा कोई काम मध्य प्रदेश को प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश भाजपा ने भारत की प्रगति में अधिक से अधिक भागीदारी का संकल्प पत्र आपके सामने रखा है। भाजपा के हमारी प्रदेश की नेतागिरी ने जो संकल्प पत्र रखा है, इसमें एक्सप्रेस वे है, मेट्रो है, रेल कनेक्टिविटी है, आईआईटी की तर्ज पर एमपी आईआईटी है, एम्स की तर्ज पर एमपी आईएमएस एम्स है, केजी से पीजी तक बेटियों को मुफ्त पढ़ाई से समाज में नई चेतना आने है, और ये गारंटी पूरी होगी, ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। इसलिए गांव हो शहर हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, बहन हो भाई हो, हर कोई एक ही आवाज से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस को सिर्फ परिवार की अपने बच्चों की चिंता रहती है, ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है। और इसलिए एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते रहते हैं, उन महाज्ञानी जो बोलते हैं आपने सुना होगा। मैं जरा आपसे पूछता हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में हुई है? कितने लोग हैं? मुश्किल से चार पांच हाथ उठे, मुश्किल से चार पांच। ये कांग्रेस को 50 साल देश में राज करने का मौका मिला और पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चलता था, और
अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले 5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा सरकार ने कहीं पर भी अंग्रेजी की स्कूल को ताला लगाया है? क्या कहीं ताला लगाया है? क्या इनके नाना, उनके पिता, उनकी दादी किसी ने भी शुरू की होगी? क्या हमने ताला लगाया है? क्या तो उन्होंने आपकी चिंता की थी क्या कभी? एक तो अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं, और इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते। क्या मेरे गरीब मां का बेटा, मेरे गरीब मां की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है? क्या बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब दरवाजे आपके लिए बंद करके बैठे थे। और मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी होती है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर को अंग्रेजी में समझाते हो? क्या आप अपनी भाषा में बोलते हो ना, तो डॉक्टर को अपनी भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये महाज्ञानी कहते हैं कि आपको अपनी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इसी सोच ने देश को तबाह कर दिया इतने सालों में। और इसलिए मैंने तय किया है, गरीब से गरीब बच्चा भी, गांव का बच्चा भी, उसे अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो देश की सेवा करेगा। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टिकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नियत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए, उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है, लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना, और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल, भ्रष्टाचार, अपराध। और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। कांग्रेस जहां भी आती है ऐसी ही बर्बादी लाती है। इसलिए मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 18, 20, 21 साल के, वो नौजवान भविष्य की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें पहले का इतिहास भी पता होना बहुत जरूरी है जी।
जरा अपने माता पिता को पूछिए कैसी मुसीबत की जिंदगी काट करके निकले हैं। आज कांग्रेस के लोग जो यहां आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं, जब उनके पास काम करने का मौका था तो घोटालों में व्यस्त थे, भाई भतीजावाद में व्यस्त थे, अपने पराये में व्यस्त थे, समाज में भेदभाव कराने में व्यस्त थे। कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था। एक समय था जब मध्य प्रदेश में गड्ढों को ही हाईवे माना जाता था, रास्ते में धचके लगना शुरू हो तो आप अपने आप समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश का कोई हाईवे आया है। एक समय था जब एमपी में बिजली केवल झटके दिया करती थी, बिजली कभी रोशनी नहीं देती थी। यहां क्या लोग, क्या किसान, क्या उद्योग, अंधकार में जीना सबकी नियत बन गई थी, बन गई थी। एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए हर खेत हर किसान तरसता रहता था, सबकी किस्मत में केवल बरसात पर, बारिश अगर अच्छी हो गई तो गुजारा कर लेते थे, निर्भर रहना पड़ता था। तब एमपी के स्कूल भी खस्ता हाल थे और पढ़ाई भी बेपटरी थी, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमराई हुई थी कि मरीजों को अच्छे इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था। और इसलिए जो पहली बार वोट देने वाले हैं मेरे नौजवानों, इन सारी बातों को वेरीफाई कर लेना, वो बर्बादी फिर से मध्य प्रदेश में नहीं आने देनी है। मेरे नौजवानों, भाजपा ने बहुत मेहनत करके मध्य प्रदेश को संभाला, उसे विकास के रास्ते पर लेकर आई। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के सुख दुख की साथी रही है। चुनाव के समय आपसे झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस दरअसल एमपी के लोगों से नफरत करती है। इसलिए जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा बीच में 15 महीना उनको जरा अवसर मिला था, मध्य प्रदेश की जनता उनका टेस्टिंग कर रही थी कि सुधरे कि नहीं सुधरे, पर 15 महीने में पता चला ये तो और बिगड़ करके आए। आपको मालूम होगा गरीबों की योजनाएं जो भाजपा सरकार चलाती थी, कांग्रेस ने आते ही संबल योजना बंद कर दी, पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना बंद की दी कांग्रेस ने, यहाँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। मुझे याद है जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तभी केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी, लेकिन उस समय बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी। कांग्रेस सरकार को एक रुपये भी अपने जेब से नहीं खर्च करना था, पीएम किसान निधि का जो पैसा किसानों के बैंक खातों में जाना था वो 100% केंद्र सरकार भेज रही थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब यहाँ के किसानों से भी बहुत बड़ी दुश्मनी निकाली। यही कांग्रेस का असली चेहरा है, कांग्रेस किसानों की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है, कांग्रेस महिलाओं की दुश्मन है। मेरे परिजनों, कांग्रेस के पंजे से आप सभी को बचाकर रखना भाजपा अपना दायित्व समझती है। इसलिए भाजपा सरकार की लगातार कोशिश है कि आप सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। हम जुटे हुए हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई कैसे बढ़े, उनकी अधिक से अधिक बचत कैसे हो। साथियों, आज भाजपा सरकार 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। आपको याद होगा कोरोना का समय कितना कठिन था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी, परिवार भी हर बार सोचता था कहीं मौत का बुलावा हमारे घर तक न पहुंच जाए।
घर में किसी को कोरोना ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, माँ भी अगर बीमार है तो बेटा जाकर के सेवा नहीं कर पाता था। जवान जो बेटा बीमार हो, माँ दुखी होती थी, लेकिन बेटे की सेवा करने के लिए उसके कमरे में जा नहीं पाती थी। इतना भयंकर समय था, पूरी दुनिया की मानव जात संकट में थी, कारोबार पर मुसीबतें थी, बाहर निकलना तकलीफ था। तब ये आपका बेटा आपकी मुसीबतों को समझता था और तब मैंने तय किया कि मैं देश के किसी परिवार का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, किसी माँ का लाल भूखा सोएगा नहीं, कोई बेटी को रात भर रोना न पड़े, कोई माँ आंसू न बहाए। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अब तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हम किसी को भी जरूरतमंद को अगर रोटी खिलाएं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जवाब दीजिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है ना पुण्य? और हर कोई कहता है भाई मैंने आज रोटी खिलाई, संतोष हुआ मन को। मुझे भी जब 80 करोड़ देशवासियों की थाली में खाना परोसते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है, संतोष मिलता है। क्योंकि भूख क्या होती है ये मुझे भी पता है। और जब किसी गरीब को खाना मिलता है ना, वो भरपूर आशीर्वाद देता है, पुण्य मिलता है। मुझे बताइए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? जरा जोर से बोलिए, पुण्य किसको मिलेगा? ये मोदी को नहीं मिलेगा, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट डाल करके मोदी को बिठाया, इसलिए गरीब की थाली भर गई। ये पुण्य के हकदार आप हैं, और इसीलिए आपकी इच्छा के अनुसार मैंने दिसंबर में जो योजना पूरी होने वाली है ना, उसे 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये मन का संकल्प कर लिया है मैंने कि आने वाले दिनों में 5 साल के लिए फिर इस योजना को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे परिजनों, आयुष्मान भारत के तहत एमपी के 30 लाख से ज्यादा मरीज अस्पताल में मुफ्त इलाज करा चुके हैं। आज जन औषधि केंद्र पर बाजार से 80-90% तक सस्ती दवाएं दी जा रही है। आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्रों के मरीजों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत होती है। साथियों, आज डबल इंजन सरकार हर परिवार को सस्ते सिलेंडर भी दे रही है। एमपी की बहनों को लाडली बहनों योजना के तहत हर महीने सजी मदद दी रही है। एमपी की 40 लाख से अधिक बहनों को पीएम मातृ वंदना योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। मेरे परिवारजनों, बचत के साथ साथ भाजपा सरकार हर परिवार के वर्तमान की भी और भविष्य के लिए स्थायी संपत्ति भी बना रहा। एमपी के गरीबों को लगभग 45 लाख पक्के घर बन चुके हैं। एक एक घर लाखों रुपए का है। इसमें बिजली है, पानी है, गैस है, ये सारी सुविधाएं साफ्ट आती है, मुफ्त आती है। अगर ये सुविधाएं अलग से लेनी पड़ी तो इसमें भी गरीब परिवार के हजारों रुपए खर्च हो जाते। लेकिन इसकी भी चिंता भाजपा सरकार ने की है।
मिडिल क्लास परिवारों का भी अपना घर हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार मदद दे रही है। इसका भी लाभ लाखों परिवारों ने उठाया है। साथियों, भारत को विकसित बनाने में जुटी भाजपा मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी तेजी से काम कर रही है। आज बहुत बड़ा जोर कनेक्टिविटी पर दिया जा रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी का महत्व शाहजहांपुर से बेहतर कौन जानता है। शाहजहांपुर के भैरव डुंगरी में 100 एकड़ क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो रहा है। आने वाले समय में शाहजहांपुर देश के एक महत्वपूर्ण फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित होगा। इससे यहाँ सोयाबीन हो, आलू हो, मिर्च हो, मक्का हो, प्याज हो, संतरा, ये जो उगाने वाले मेरे किसान हैं, उन सब किसानों को लाभ होने वाला। मेरे परिवारजनों, शाहजहांपुर तो हमारी सांस्कृतिक विरासत से भी समृद्ध है। ये भूमि महाभारत काल से लेकर आज तक के इतिहास को समेटे हुए है। भाजपा सरकार भारत के सांस्कृतिक वैभव को फिर से विश्व में स्थापित कर रही है। उसका एक प्रमाण उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण है। एमपी भाजपा ने अनेक सांस्कृतिक लोकों के निर्माण का भी संकल्प लिया है। कांग्रेस तो जो भी करती है वो एक ही परिवार के नाम पर करती है, जबकि भाजपा हमारे हर संत, इस धरती के हर महान संतान, उनको सम्मान देती है। सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर भाजपा बना रही है। जबलपुर में रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक भाजपा बना रही है। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू यहाँ से अधिक दूर नहीं है। देश और दुनिया में जहां जहां बाबा साहब रहे, उनको भाजपा ने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। मेरे परिवारजनों, हमने परसों ही धूमधाम से दिवाली मनाई है। अगली दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे, जब एमपी में पूरी शान से फिर कमल खिलेगा। और इसलिए ऐसा तो नहीं होगा ना, इतनी बड़ी जबरदस्त जनसभा हो गई, ऐतिहासिक सभा हो गई, मोदी का भाषण भी बहुत अच्छा हो गया, चलो बहुत हो गया, सो जाए, बहुत हो गया, अब तो क्या है, जीतने ही वाले हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो नहीं जाओगे ना, घर घर जाओगे, मेरी ये बात बताओगे, कमल खिलाओगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, अधिकतम मतदान की गारंटी देते हो आप? इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के जीवन जीत की गारंटी जनता जनार्दन खुद दे रही है। मुझे पता है कि शाहजहांपुर वालों के लिए दाल बाटी, तोला राव की कचौरी और दूध जलेबी आपके लिए इसका कितना महत्व है, मैं यहां आता था मुझे मालूम है। बाकी सब काम बाद में, पहले तो तोला राव। लेकिन 17 नवंबर को पहले मतदान फिर जलपान, पक्का मंजूर, ये हो जाएगा ना? अच्छा, ये तो बात हो गई चुनाव की। अब मैं मेरी एक निजी बात बताना चाहता हूं, बताऊं? निजी बात है, चुनाव की नहीं है, बताऊं? मेरा एक काम करना है, करोगे? ये चुनाव वाला नहीं है, करोगे? अब उतनी ताकत से बताओ ना, ढीले क्यों पड़ जाए हो यार? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे ना? ये चुनाव का काम नहीं है, करोगे? तो जरूर करना,
जब आप घर घर मिलने के लिए जाएंगे तो सबको कहना कि अपने मोदी जी शाजापुर आए थे, अपने मोदी जी शाजापुर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है, इतना मेरा काम कर देंगे, इतना मेरा काम कर देंगे, पक्का करेंगे। देखिए जब आप उनको मेरे प्रणाम कहोगे ना तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे, भरपूर आशीर्वाद देंगे। और जब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, मेरी दौड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाती है और मुझे देश के लिए दौड़ने का और उत्साह बढ़ जाता है। और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद की जरूरत रहती है। तो मेरे प्रणाम पहुंचाओगे, हर घर जाके पहुंचाओगे, भूल तो नहीं जाओगे ना। देखिए मुझे हमेशा की तरह मालवा निवाड़ ने अभूतपूर्व स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है, आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना बहुत कम है। इस बार तो तोराराम की मिठाई का चखने का समय नहीं है, वरना पक्का खा के जाता आज। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुमूल्य क्षणों से समय निकालकर हम सबको संबोधित किया, मार्गदर्शित किया। हम सब